ये जाना है सर्विस ऐप में, हमें जाना है सर्विस ऐप में। जाने के बाद हमें जो ये देखिए एचपी पे कोड यहाँ लिखा हुआ है। फ्यूल में जाइएगा, फ्यूल में जाइएगा तो एलपीजी गैस, गैस और एचपी पे कोड यहाँ बनाने के लिए बता रहा है कि आप यहाँ से पे कोड ऑलरेडी बना सकते हैं और कम से कम 50 का बना सकते हैं। तो मेरे वॉलेट में अमाउंट कम है, हम यहाँ से डाल लेते हैं। आज अमाउंट डालना भी सीख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए हम यहाँ से अमित सर जी सर, अमित सर आप ध्यान से देखिएगा, अभी अनु सर मनी ट्रांसफर कर रहे हैं अपने सर्विस वॉलेट में और उसी प्रकार ट्रांसफर होता है, मेंबर को भी ट्रांसफर होता है, आप देख लीजिए एक बार ध्यान दीजिएगा। अनु सर कंटिन्यू। सर यहाँ से देखिए हम ऐप को खोले, AI इनकम अकाउंट बता रहा है और इनकम स्टेटमेंट बता रहा है, तो यहाँ से हम क्लिक किए और यहाँ से वहाँ हम 100 रुपया वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जो कि ये अभी बैंक में है तो बैंक से हमको ट्रांसफर करना है, हमारे ही वॉलेट में ट्रांसफर करना है। यदि मेंबर में ट्रांसफर करना रहता तो हमें बीच में जाना होता, जो कि ये वाला में जाना होता, ये वाला में जब हम आते तो अपना ये में ट्रांसफर कर सकते हैं और ये में ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला में ऑलरेडी चला जाएगा। तो ये सर्विस वाला हुआ है, सर्विस वॉलेट में चला जाएगा, ये सर्विस वॉलेट में जाएगा। यहाँ से क्लिक किए, यहाँ से कन्फर्म करेंगे और 20 सेकेंड वहाँ चला जाएगा पैसा, आप देख सकते हैं सर। ऊपर में ट्रांजेक्शन पासवर्ड और नीचे में OTP डाल के सबमिट करेंगे, वो आ जाएगा। सर ये मैसेज छुपा हुआ है, ये स्क्रीन शेयर किए हुए हैं इसलिए क्या सर? गुरुदेव सर OTP नहीं बताएगा? नहीं, OTP आता है, मैसेज में जाइए ना, मैसेज में जाइए, मैसेज बॉक्स में जाइए। यहाँ सोम हैज बीन अक्रॉस योर स्क्रीन, एक्सेस एक्सेस, यू डिड नॉट शेयर स्क्रीन, समवन हैज एक्सेस टू योर स्क्रीन शो कर रहा है सर। स्क्रीन ऑफ कीजिए ना, स्क्रीन ऑफ कीजिए, स्क्रीन ऑफ करके जाइए, आपका मोबाइल में सेटिंग किया हुआ है इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, ऑफ करके अभी कर लीजिए। स्क्रीन ऑफ कर देंगे तो सर लोग को दिखाई नहीं देगा ना सर? ना, आप स्क्रीन ऑफ कर लीजिए, वहां से OTP डालना होगा, OTP लेकर के उसके बाद आइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अब सर प्रॉपर है ना? हाँ सर, दिख रहा है ना सर? ये OTP था, देखते हैं इसको डाल के है कि फेल कर गया। फेल कर गया सर। ट्रांजेक्शन पासवर्ड, देख ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना रहता है सर? हाँ वही डाले हैं सर। सुबह है मेरा सर। हेलो, हो गया सर, दिख रहा है ना सर? हाँ जी, हो गया, हो गया, हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा होता है ना सर? सर तो ये सर्विस जो है, हेलो हाँ जी जी बोलिए अमित सर। सर बोल रहे, ये सर्विस वाला, ये कौन सा सर्विस, मतलब अपना ही अकाउंट पे जाएगा या सर्विस वाला? फिर से कीजिए विड्रॉल। देखिए ये यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है गुरुदेव, यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन में जाइएगा और ऊपर में जो वैलेट है ना उस वैलेट पे क्लिक करेंगे। कीजिए तो अनुसार एक बार वैलेट पे क्लिक। हाँ ये देखिए वैलेट पे क्लिक हो गया, उसके बाद इनकम अकाउंट पे जाएंगे, इनकम अकाउंट।
जी सर इनकम अकाउंट पर गया। हाँ यहाँ पर ऊपर ट्रांसफर टू बैंक करना है ना। देखिए आपको बैंक में करना है तो बैंक में कर सकते हैं, ट्रांसफर टू मेंबर किसी अदर पर्सन को यूटेक के बिजनेस पार्टनर को भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हैं, और ट्रांसफर टू सर्विस यानी कि अपने सर्विस में रिचार्ज करने के लिए ले लेना है तो सर्विस में कर लिए तो अपने सर्विस में आ जाएगा। किसी अदर पर्सन को हमको भेजना है तो यहाँ से करेंगे, यदि हमको अपने सर्विस में लेना है तो यहाँ से करेंगे, बैंक में भेजना है तो यहाँ से करेंगे। बैंक में करके दिखाइए ना सर, बैंक में करके बैंक में ट्रांसफर होता सोना शुरू होगा। चलिए सर ठीक है सर, ठीक है आइए सर्विस पे। जी सर अब यहाँ से पे कोड कैसे जनरेट करना है? ये देखिए सर यहाँ पैसा आ गया है, 29 रुपया मात्र बचा हुआ था, वहाँ से 100 रुपया ट्रांसफर किए हैं तो यहाँ आ गया। तो ये देखिए हमको पे कोड बना हाँ हो गया सर, देख लिए हम। और यहाँ जो है स्क्रीन स्टॉप हो गया ना सर? जी स्क्रीन शेयर कीजिए फिर से। हाँ शेयर है सर। जी सर कंटिन्यू। ये देखिए सर या ये ऑप्शन दिख रहा है सर, जिसको हम बोल किए हैं अभी इसी को हम क्लिक करेंगे, इसी को क्लिक करेंगे तो मेरा ये खुल गया। कितना का बना है सर? 50 900। अच्छा सर ये जो बनाइए क्या सर? सर बोल रहे थे ये जो एचपी जो है ये मतलब तेल वाला है ना कि गैस वाला है? जी जी नहीं नहीं ये तेल वाला है। टोटल वाला है तो सर पेट्रोल जैसे कि जो हर एक अथी पे नहीं ना होगा सर? होगा सर होगा, 70 का बने, 70 का हर एक आदमी बना सकता है सर। जी सर बोला जाए सर। 100 का बनाए खाली 70 रुपए का बनाए इसको, इसको सर हम यहाँ से बनाएंगे तो फिर हमको ट्रांजैक्शन पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ 592174 अब ये बन गया सर, ये दिख रहा होगा आप लोग के पास। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे कहीं भी भेजेंगे, जिनको पेट्रोल डीजल लेना है उनके पास यदि हम भेजेंगे तो वो चला जाएगा उनके पास। ये दिख रहा है ना सर आप लोग को? सर तो कैसे मतलब किसके पास जाएगा सर? जैसे कि हमको जहाँ भेजना है उसके पास कैसे भेजेंगे? आप पेट्रोल पंप पे हैं, हम सर यहाँ बैठे हुए हैं ठीक ना सर? हम सर जैसे कि मतलब अगर पेट्रोल पंप पे गए जी सर, पेट्रोल पंप पर गए तो वो कैसे लेगा? स्कैन करेगा, आईडी चाहिए ना, जैसे उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेगा सर? नहीं नहीं सर, नहीं सर वो आपको बोलेगा कि आप स्कैन कर दीजिए, क्योंकि वो जानता नहीं ना सर। जब हम गए थे ना लालगंज में तो हम उनको बोले थे ये कि सर आप ये जो मेरा जो है पैन कार्ड जो है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? और अभी जो स्क्रीन शॉट काटे हैं उसका हम स्क्रीन शॉट आपको दिखाते हैं सर। ये उसका स्क्रीन शॉट है, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए दिख रहा है ना? तो अन्यथा आप उनको बोलिए, वो बोलेंगे कि आप स्कैन करके पैसा दीजिए, तो उनको तो लग रहा है कि फोन पे या गूगल पे से देंगे। तो आप उस स्टाफ से मत बात कीजिए जो स्टाफ वहाँ तेल देता है, क्योंकि हम लोग मालिक वाला काम कर रहे हैं सर, तो स्टाफ से क्यों बात करना? उसको आप बोलिए कि आप अपने मालिक से बात करिए, चाहे मैनेजर है उससे हमको बात कराइए, जाइए वहाँ आप बोलिए कि मेरा पे कोड है, पे कोड से आप ये पे कोड नंबर लीजिए और उससे मतलब पेमेंट हमको करना। तो सर ये मेरा पे कोड कहाँ है तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ सर
ये मेरा पे कोड है, ये पे कोड हम जैसे ही देंगे जाके पेट्रोल पंप पे तो ये मतलब वहां से कट जाएगा। लेकिन हाँ ये भी बात है कि ये पे कोड यदि यूज करेगा कोई आदमी, यदि अदर आदमी पे हम भेज ये यूज कर लेगा तो सर ये होगा कि आपको वो पता चल जाएगा, समझे ना सर, वो ये पता चल जाएगा कि ये आदमी यहाँ यूज किए हैं, उनका गाड़ी नंबर वहाँ दिखा देगा कि फलना गाड़ी नंबर में ये इतना तेल डलाया है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये होता है इसका पे कोड, ये बन गया सर। एक सेकंड, जैसे कि अगर तेल ले रहा है तो ये इसकी कोड बनाकर उसको देना है ना, तो पे कोड वो ले लेगा, वो इस मतलब निकाल लेगा अपना ना, 100% निकाल लेगा वो। अच्छा, वो हम गए थे ना सर लालगंज में, तो मेरे पास ये सवाल आया कि सर आप मतलब हमको सब तो यहाँ पे करता है, आप कैसे पे कीजिएगा। तो हम बोले कि जे अपने मैनेजर से बात करवाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं। तो कॉल किया, शायद मैनेजर आया, बोला कि 2 मिनट सर को बोलिए रुकने के लिए, से हम आ रहे हैं। तो जब हम गए तो वो अगला आदमी आया, तो हम बोले कि सर हमको पे कोड से पेमेंट करना है। तो किसका, कौन सी का पे कोड है, बोले कि आपका पेट्रोल कौन सी किसी का है। तो बोला कि HP के। आप डॉट के बोलिए ना वहाँ, आप डरते क्यों हैं, आप डरिए मत उससे, पेट्रोल पंप खोले हुए था, बहुत बड़ा आदमी है, 1% के धंधा पर वो काम कर रहा है, आप 2.5% के धंधा पर काम करे, क्यों डरना। जैसा जैसा आप है, जैसा आप है वैसा वो है, जैसा आप इंसान है ऐसा वो इंसान है, डरना नहीं है उसको ना। तो उसको हम उसको हम डायरेक्ट बोले कि आपका पे कोड चालू है क्या। तो हाँ सर मेरा पे कोड चालू है, तो ये तेल 50 का बिल है, तो सर 50 का। हम बोले हाँ हमको इसका क्वालिफिकेशन चेक करना है, कैसा आपका क्वालिटी है तेल का, ये सब हमको चेक करना है। तो आप सर कंपनी से हैं, उसको लगा कि कंपनी HP से आया है सर, वैसा मतलब आपको डेडिकेशन वहाँ रखना होगा ना, तब ना आपको कुछ। अनुगर नमस्ते जी सर, नमस्ते नमस्ते, मेरे अपलाइन आनंद जी है, अपलाइन मुकेश जी हैं। जी जी सर, चंदौली जिला से बोल रहा हूँ सर। आप समझा रहे थे HP का मतलब कोर्स क्या देना पड़ेगा, लालगोन पासवर्ड देना पड़ेगा, क्या आईडी, ट्रांजिस्टर क्या देना है सर। उसके पास स्कैन करने का प्रूफ रहता है सर, वो आपको आपको बार कोड भी है आपके पास, और बार कोड है ना आपका, बार कोड है, उसको बोलिए कि सर आप स्कैन कर दीजिए ना मेरा बार कोड, हमारी कंपनी बार कोड देती है कि नहीं देती है, आपका जो हम स्कैन करेंगे सर आप मेरा स्कैन करेंगे ना। हाँ, और आप स्कैन करने में सक्षम नहीं है तो मेरा कोड, और जब वो भी बोलेगा कि नहीं करने में सक्षम नहीं है तो रहने दीजिए, हम आपके पेट्रोल पंप से तेल नहीं लेंगे, हम जाने। कैसा लगेगा उनको, ऐसा ही वो बोलेंगे कि जे नहीं सर मेरे पास ये सुविधा नहीं था, हम आपके पेट्रोल पंप से तेल नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं अलग से ले लेंगे, मेरा पैसा तो वहाँ नुकसान नहीं जा रहा है, उसको फिर रिफंड मारेंगे हमारा पैसा। पेट्रोल पंप वाले को तो ये बोल ही नहीं सकता है कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि भाई आपको इसी काम के लिए रखा गया है, आपको इसी काम के लिए रखा गया, आप ये काम नहीं कीजिएगा तो फिर आप क्यों है। उनको हर हाल में या तो स्कैन करेंगे नहीं तो पे कोड लेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं करते हैं सर, जैसे इनको लगता है कि जो मतलब डर है, हेजिटेशन बना हुआ है, पहला गुल सर हेजिटेशन रहता है, हम भी गए हैं ना, तो हम तो गए अकेले गए, हम तो जानते हैं कि सबका नौकरी है यहाँ, ये सब मतलब मालिक थोड़े ना, नौकर है सब, जैसे हम है। मालिक तो हम सर, हम लोग मालिक जो है सर यूटेक में है ना हम लोग। तो ये अगर मान लीजिए पेट्रोल परचेज नहीं हो पाया, कहीं नहीं मिला, तो क्या करना है, तो उसको रिफंड कर लेना है पैसा, एट ए टाइम हुआ आपका तो कैश है, तो उसके लिए टेंशन कहाँ है सर। रिफंड आ जाता है बस, रिफंड होगा सर। ये जो है आप देखिए, मैं स्क्रीन फिर शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन मैंने रिफंड कैसे होगा सर। हाँ सर, भी एकदम चुटकी में सर रिफंड होता है, आप लोग सर जूम सेशन में रहिए, सुबह वाला जूम सेशन बहुत प्यारा जूम सेशन चलता है, शाम वाला में तो एक ही बात बताया जाता है, लेकिन शाम वाला में भी रहिए, सुबह वाला में सब कुछ सिखाया जाता है, और यहाँ जो है से
हम लोग भी यहाँ सीखने का ही काम करते हैं, जो लोग के पास सुबह में टाइम नहीं रहता है, शाम में टाइम नहीं रहता है, तो कंपनी में हम लोग को बार बार बताया जाता है जो सीखता है वही जीतता है। तो हम लोग को वहाँ से बहुत प्यारा जानकारी मिलता है, हम भी वहीं से सीखे हैं और बनाए हैं, और हम दिखाएंगे आपको ये इसका पैसा कैसे रिटर्न होगा। देखिए सर, ये जो है ना, ये यहाँ यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीन शॉट है ना जी सर, हम इसमें पे कोड दिख रहा है 3137-89-52, एक्सपायरी डेट लिख रहा होगा, 9:10 में हम शायद पे कोड बनाए, नहीं 22 में बनाए हैं, 9:22 में हम बनाए हैं पे कोड, और ये 30 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। कितना मिनट के बाद? नहीं गुरुदेव, ये 9:22 पर एक्सपायर हो जाएगा। ओ हाँ, थैंक यू सर, 9:22 में एक्सपायर हो जाएगा, 9:22। हाँ, ये जो है ना वैलिड सिर्फ 30 मिनट का होता है, आप जिस समय पे कोड जनरेट करेंगे उस समय से 30 मिनट के बाद ये आप पेट्रोल ले लीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक ये इनवैलिड हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, रिफंड ऑटोमेटिक नहीं होगा सर। रिफंड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है हिस्ट्री के बगल में, एक सेकंड हम दिखाते हैं, दिखाना चाह रहे हैं, कलम कहाँ चला गया, मोर दिख रहा है सर, मोर दिख रहा है ना सर, आपको दिख रहा है लेकिन हमको दिख रहा है कुछ, हाँ ये मोर इसमें मोर भाग, इसमें क्या करना होगा, यहाँ यहाँ जो सर मोर का ऑप्शन दिख रहा है नीचे वाला में, हाँ तो ये मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और मोर के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया, ई बुक आया, तो ये यहाँ से इसको हमको क्लिक कर लेना है, तो करेंगे आ गया, और यहाँ यहाँ जो है सर हमको क्लिक कहाँ करना पड़ेगा, ये दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है सर, ये जो एरो है इसको हम क्लिक करेंगे कि पैसा फिर जा के था, लेकिन उसका टाइम है 9:22, कितना है 9:22 बना है, कितना टाइम है, वहीं पे जाके हम क्लिक करेंगे तो पैसा मेरा रिफंड हो जाएगा सर। यहाँ तो क्लियर बता रहा है ना, ये क्या लिख रहा है सर, इंग्लिश हमको उतना पढ़ने नहीं आता है, जनरेशन, जनरेशन माने इसको जन्म किया है, उसको जनरेशन डेट है, आप क्यूआर कोड किस वक्त जनरेट किए थे वो बता रहा है, हाँ और ये एक्सपायरी डेट बता रहा है, हाँ यहाँ तो क्लियर बता रहा है 9:22, हाँ इसको क्लिक करेंगे कि पैसा जहाँ के तहाँ फिर चला जाएगा। अच्छा करिए ना सर, अनुसार कीजिए ना उसको सर, अभी तेल थोड़ा नहीं नहीं सर, उसको 9:22 होगा, अभी करके देखिए तो अनुसार, अभी करके देखिए नहीं सर, वो अभी नहीं लेगा ना सर, अच्छा हम देखते हैं, ऐसे हम किए हैं, लेगा नहीं, लेकिन करके देखिए ना, ठीक है सर, नहीं होगा सर रिफंड, हाँ अभी नहीं होगा, वही तो कह रहे हैं 30 मिनट समय लेगा, कोई आदमी डिब्बा में जाके तेल ले आएगा ना, 30 मिनट के समय के बाद रिफंड हो जाएगा सर। उसमें ओके लिख देगा, ये भी चीज हम देखे हैं सर, उस तब वहाँ से तेल लिए है ना, बताया है वहाँ से, आज तो सर लाजवाब हो गया सर, जी
लाजवाब ये हुआ, आज एक आदमी का मेरा ब्रांच निकलते निकलते रुक गया सर। हेलो, हम वही बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, वही बात कर रहे थे उनका। हम सर खुद मुंबई आते, पुणे में फंसे हुए आके दूर से। हेलो जी, जी जी सर, जी जितेंद्र सर, जी सर, आपसे तो बात हुआ था, अन्नू से बात नहीं हुआ है तब से इधर। उनका आज नहीं हो पाया, कल हो जाएगा। अन्नू सर आप अपना टीम साइज दिखा दीजिए, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि टीम साइज दिखाइए। जी गुरुदेव सर, आपका आज्ञा है तो जरूर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। छोटा सा टीम साइज है लेकिन ये सर मेरा स्क्रीन विजुअल है सर। यस सर, यस सर, ये टीम साइज रहा सर का, तो घसकाने से नहीं बढ़ता है। उमेश पाल सर जब भी ये वाला घसकाते हैं ना तो बढ़ जाता है उनका। रेफरिंग रिफ्रेश करते हैं उनके टीम में, तो है सारे चार रन का प्लस चार। दिल्ली देखिए टीम साइज होगा 1043 लोगों का, 1043 लोगों का, जिसमें 403 एक्टिव हो गए। कल 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 जो ये था सर 399 पर आके फंसा हुआ था, नहीं सर 399 पर, देखिए 99 का चक्कर लगा, लेकिन जस्ट 99 से 100 हो गया। सर का बिजनेस देखिए सातवें लेवल तक चला गया है गुरुदेव, सातवें लेवल तक। रॉयलिटी ग्राफ भी दिखाइए सर को। सर ये आप ही का देन है सर, रॉयलिटी ग्राफ भी दिखाइए। समझाते सर। सर अभी तो हम तो नया है सर, तनी मनी सीख रहे हैं, तनी मनी कुछ कुछ सीख रहे हैं। बस कंटिन्यू रहिएगा जूम में सर गुरुदेव, सब कुछ सीख जाइएगा। ये अन्नू सर भी कुछ ये सिस्टम में आए थे तो ये भी बहुत भागते फिरते थे, गरई मछली से ज्यादा छोलने वाले आदमी है। लेकिन जब जूम पे आ गए ना तब ये भी समझना शुरू हो गया सिस्टम का पावर क्या है। सर लेकिन एक बात है, सर का पूरा ध्यान बगुला लेखा हमें पर, मेरे ऊपर था, है कहाँ मीटिंग में थे, कॉल करके एकदम पूरा ध्यान दिए हुए रहते थे सर का। और ये रहा रॉयल्टी ग्राफ सर, देख सकते हैं रॉयल्टी ग्राफ। गोल्ड विल कंप्लीट, प्लेटिनम में 4% हो गया है, गोल्ड 21% हो गया है, बताइए प्लेटिनम में काम शुरू हो गया, यानी प्लेटिनम भी तो हम बन रहे हैं साथ साथ। इस महीना में डायमंड भी 1% खोल लेंगे सर। आपका देखे है ना सर 1% देखे है डायमंड, तो हमको भी आशा है कि सर जी का 1% है तो हमारे कला ना। जी जरूर सर, हमारा भी 1% हो जाता है, 94 आईडी लगता है 1% के लिए। हाँ तो ये महीना में खुलल रहेगा खाता, पांचवे लेवल में। चलिए बहुत बढ़िया गुरुदेव। और एक और प्यारा सिस्टम है सर, ये देखिए रैंक देखिए सर, ये बोनस जब आता है ना बड़ा मजा आता है सर हमको। ये सर मेरा 10,000 आ रहा था तो राहुल सर को फोन किया। मोबाइल फंड रिवार्ड देखिए, मोबाइल फंड रिवार्ड 15,000 में 1,003 रुपए आ चुका है। ये देखिए सर, दिख रहा है ना सर? हाँ सर दिख रहा है। ये वाला सर 10,000 दिखा रहा था हमको, तो हम राहुल सर को फोन किए कि सर हम तो 1 तारीख के बाद किए हैं, 1 तारीख को किए हैं, अन्ना तो हम आना चाहिए हमको सर 15,000 आना चाहिए। तो सर बोले कि अच्छा हम देखते हैं, बात करते हैं ऊपर से, बस उसी समय से दिखाने लगा 15,000। हम कहे कि वाह, एक बार बात करने से 5,000 बढ़ गया। ये बात नहीं करते हैं ना सर जी। जी गुरुदेव सर, और ये बात समझना है गुरुदेव कि सिस्टम में ये समय आखिरी मिनट भी चल रहा है सेशन का, सेशन को सिस्टम को समझने के लिए अपलाइन के टच में रहना है, कॉल से बात होती रहनी चाहिए पहली बात। दूसरा, जूम हमें हर हाल में नहीं छूटना चाहिए। जी अगर सर, किसी कार्य में व्यस्त नहीं है गुरुदेव तो जूम पे आना चाहिए, जूम